हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 2 मिनट पॉलिटिकल साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट गल्फ वॉर। तो चलिए समझते हैं कि फर्स्ट गल्फ वॉर था क्या। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पे घुसपैठ करके उसके बहुत से एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। यह देखकर यूएन सहित बहुत से देशों ने इराक को समझाने की कोशिश की डिप्लोमेटिकली, लेकिन वो माना नहीं। इसीलिए यूएन ने एक मैंडेट जारी किया जिसमें कि अब कुवैत को फोर्स की सहायता से उसे आजाद कराया जाएगा। और इसीलिए 34 देशों की आर्मी ने मिलकर एक साथ इराक पे अटैक किया और इराक बुरी तरह से हार गया। यूएन की इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। 34 देशों में से 75% आर्मी अकेले अमेरिका की थी और इसमें पहली बार हाईटेक टेक्नोलॉजी स्मार्ट बॉम्ब यूज किया गया और इतिहास में पहली बार किसी वॉर को लाइव टेलीकास्ट किया गया। इसीलिए इसे कंप्यूटर वॉर या वीडियो गेम वॉर के भी नाम से जाना जाता है। इस गल्फ वॉर में ना केवल अमेरिका ने अपने हेजेमनी को शो किया बल्कि इस वॉर से बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया। थैंक्स फॉर टुडे।